Hey guys, hi, very very good evening to all of you and welcome to the session. So this is your master teacher Harsh Priyam और मैं आ चुका हूँ आपके सामने. तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों और कैसी चल रही है ज़िंदगी? All good. Hi, hi, hi and hello to everyone. Good evening to everyone. So अभिषेक सर को रोस्ट करते हैं आज. अच्छा ऐसा है क्या? I'm good. Hi Arpit, hi Divya. अभिषेक, रुकू, असलम, अर्पित, श्याम, शोभित, अनीता, दीपक, तन्वी, अक्षत, सौम्या, सृष्टि, शुभम, प्रकृति, क्वांटम, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. सबको हाय. चलो तो कैसी चल रही है जिंदगी मेरे बच्चों? सब बढ़िया, मजे में, कोई दुख परेशानी तो नहीं जीवन में? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ या ना, जल्दी बता दो. यस, यो यो, मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त, मजे में, फुल ऑन एनर्जेटिक. और आज शुरू किया, ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल. अगले सेशन में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आई गेस मेंटी करेंगे, तो मेंटी के लिए भी रेडी रहना. क्लोजअप, हाँ क्लोजअप आने वाला है, क्लोजअप रिकॉर्ड हो गया, चिंता ना करो. तो क्लोजअप आने वाला है जल्दी से जल्दी, तो उसके बाद क्लोजअप देखना और क्या. फाइन. हाँ चलो तो शुरू करें आज का सेशन. या दुख है, टेक माई नेम, हाय एवरीवन. ठीक है चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या क्या बात कर लिया था एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तो सारे लोग ध्यान से देख लो. हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अभी तक वी हैव टॉक्ड अबाउट, जहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास में बात किया था पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो कि होता है 2πr. उसके बाद हमने बात किया था एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है πr स्क्वायर. ये तो सिंपल चीज़ें बात की थी. उसके बाद हमने बात किया था एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर के केस में हमने बात किया था कि ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात किया था इसी में, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, याद करो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में हमने बात किया था कि भैया जो आर्क रहेगा, आर्क का लेंथ हम निकालते हैं थीटा बाई 360 इंटू 2πr. और इसके बाद हमने ये बात की थी कि अगर हमसे सेक्टर का पूरा पूरा पेरीमीटर पूछा जाए तो सेक्टर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें इसका लेंथ तो मैंने लिख दिया लेकिन सेक्टर के पेरीमीटर में ये दो आर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो इसके कारण से प्लस टू आर ऑल्सो. ठीक है, तो ये हमने सारी बात की थी कहां तक, सेक्टर के लिए. और उसके बाद फिर हमने बात किया था कि एक सर्कल दो तरीके से बढ़ सकता है. दो तरीके से, किस तरीके से बढ़ सकता है? पहला, तो आप या तो सर्कल को बांटो रेडियस की मदद से जिससे कि सेक्टर बनता है, या फिर आप सर्कल को बांटो कॉर्ड की मदद से जिससे कि ये सेगमेंट में बटता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट. और सेगमेंट का भी एरिया हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो सेगमेंट का एरिया हमने पढ़ा था कि भैया जो पूरा का पूरा सेक्टर है आपके पास ऐसा थीटा वाला, ये पूरा सेक्टर का एरिया लिख दो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस पूरे एरिया में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, जिसके लिए हमने स्टार्टिंग में अगर तुमको याद हो तो फॉर्मूला पढ़ा था हाफ ए बी साइन थीटा. तो ये सारी चीजें हमने अभी तक कंप्लीट कर ली है. ठीक है मेरे बच्चों, ओके. हाँ तो राहुल भाई, आपके जानू सर अभी यहाँ है नहीं और मैं जानू नहीं हूँ, तो आप मेरे को हर्ष सर बुला सकते हैं, तो दैट विल बी लाइक फाइन. या तो हर्ष सर बुला सकते हैं, दैट विल बी फाइन, या हर्ष भाई, दोस्ती कर सकते हैं, बट मैं जानू नहीं बनना चाहूंगा यार, लाइक मतलब थोड़ा सा अलग वाली फीलिंग आ जाती है. तो आई अंडरस्टैंड, मैंने देखा अमृत सर के साथ वीडियो आप लोगों का, मतलब क्लोजअप वाला, जिसमें अभिषेक सर ने खुलेआम अपने दिल का हाल बयान किया है कि ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू मी. बट मतलब देखो, अभिषेक सर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन बस दिल के करीब हैं, उससे ज़्यादा और करीब नहीं है. मतलब उससे ज़्यादा करीब मैं उनको ले नहीं सकता हूँ, अंडरस्टैंड दैट. मेरी शादी हो चुकी है एंड आई एम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब मैं पूरा एकदम स्ट्रेट सीधा चलने वाला इंसान हूँ. तो मैं अभिषेक सर को चाहूं भी तो जानू नहीं बुला पाऊंगा, सो वेरी सॉरी फॉर दैट. और अभिषेक सर को भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कि सॉरी अभिषेक सर फॉर पुटिंग योर प्रपोजल डाउन, लेकिन मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं. हाँ, मैं इस बात की गारंटी दिलाता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कोई अच्छा सा अच्छा लाइफ पार्टनर खोज दूं, इधर बॉय और गर्ल. तो इसलिए बेटा राहुल, और तुम भी ये बात समझो यार, मैं जानू नहीं हो सकता. मतलब मैं समझता हूं तुम लोग को अभिषेक सर के लिए बहुत प्रेम है, तुम अभिषेक सर को जानो बुलाओ ना, कोई इशू नहीं है, इट्स ओके. मेरे से दोस्ती कर लो हर्ष सर, हर्ष भाई, और यार ऐसा ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. जानो में थोड़ा सा दर्द होता है बेटा, तो मतलब समझो. ठीक है चलो, लेट्स मूव ऑन. ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नहीं क्वेश्चन नहीं, ये सब तो हमने बातें किया था
पिछले सेशन में, मतलब पिछले के पिछले सेशन में, दो सेशंस में हमने बात कर ली है। अब अगर यहां तक हमने बात कर ली है तो इसके आगे आते हैं क्वेश्चंस। तो आज का सेशन पूरा क्वेश्चन होने वाला है एंड मिक्स्ड ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो चलो ध्यान से देखेंगे आज के क्वेश्चंस को। अब मस्ती थोड़ा सा कम करो और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्लेग्राउंड हैज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। अच्छी बात है, तो सोसाइटी में होता है ना प्लेग्राउंड, वैसा वाला, तो रेक्टेंगल शेप का है, अच्छी बात है। ऐसे भी रेक्टेंगल ही होता है, कई जगह तो होता नहीं है, हमारे बैंगलोर में तो खेलने का जगह ही नहीं देते हैं। मेरे को रोज मन करता है कि सुबह सुबह उठ के मैं क्रिकेट खेलूं, लेकिन है ही नहीं कुछ ऐसा। वो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और एक रूम की इतना बड़ा मतलब प्लेग्राउंड बनाया उन लोगों ने। यार हमारे जमाने में प्लेग्राउंड होता था लंबे मैदान, बट खैर एनीवेज। तो रेक्टेंगल है विथ टू सेमी सर्कल्स ऑन इट्स स्मॉलर साइड्स एज डायमीटर्स। कह ये रहा है कि भैया ये स्मॉलर, ये एक रेक्टेंगल जैसा फील है, और यहां पे अगर इसको डायमीटर माना तो ऐसा सेमी सर्कल है। आई गेस ये लोग शायद डिजाइन कर रहे हैं बास्केटबॉल का कोर्ट, क्योंकि बास्केटबॉल के कोर्ट में ऐसा होता है, इसको हाफ सर्कल कहते हैं शायद, नहीं सॉरी, इसको शूट मारने वाला सर्कल कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये बास्केटबॉल का कोर्ट है और यहां से इधर ऐसा हाफ सर्कल, जो लोग खेलते होंगे उनको पता होगा, मेरा भाई खेलता है। स्मॉलर साइज है डायमीटर एडेड टू इट्स आउटसाइड, क्या क्या, विथ टू सेमी सर्कल ऑन इट्स स्मॉलर साइड्स एज डायमीटर एडेड टू इट्स आउटसाइड। अच्छा, अंदर नहीं है, आउटसाइड है, सॉरी। तो ये अंदर अगर नहीं है तो ये डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, फिर ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा, फिर ये बास्केटबॉल का फील्ड भी नहीं बचेगा, फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा है और यहां से इस तरीके का और यहां से इस तरीके का, ये सेमी सर्कल बन गया। इफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 36 मीटर एंड 24.5, इतना खतरनाक क्यों दियो भाई, 24.5, ये 24.5 है, ध्यान से देखना। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, तो ऐसे प्लेग्राउंड का एरिया निकालिए। अच्छी बात है यार, ये तो मेरे को मोर ऑफ अ काइंड ऑफ रनिंग ट्रैक लग रहा है, रनिंग ट्रैक ऐसा ही होता है, हाँ, तो ये वैसा लग रहा है, बट एनी वेस्ट, चलो ठीक है निकालते हैं। तो ध्यान से देखो यार, रेक्टेंगल का एरिया तो बड़े आराम से निकाल लोगे, 36 × 24.5। सर्कल के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, एक सेमी सर्कल, वन सेमी सर्कल एंड सेकेंड सेमी सर्कल, तो दो आधे आधे सर्कल को मिला के एक सर्कल बनेगा ना, वन सर्कल। मतलब यहां पे मैं एक सर्कल का एरिया निकाल दूं तो काम बन जाएगा। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस पता करो, फिर रेडियस तो मिल ही जाएगा। अगर ये डायमीटर है तो इसका आधा रेडियस नहीं निकाल लोगे, रेडियस विल बी आधा ऑफ 24.5। 24.5 का जब आधा करोगे तो यह शायद 49/4 आना चाहिए, यह आएगा 49/4 रेडियस की वैल्यू। रेडियस आपके पास आ गया, अब आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर ही तो लगाना है, पाई आर स्क्वायर लगा। अच्छा ये बताओ मेरे को जल्दी से कि क्या मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है या फिर मैं तरीका बता दूं कर लोगे बाकी, जल्दी बताओ, येस और नो, मतलब येस और नो नहीं, पूरा मैं करूं या फिर सिर्फ तरीका बता दूं, ओनली मेथड विल वर्क, तो राइट डाउन मेथड या फुल, पूरा करूं या सिर्फ मेथड बता दूं, तो दैट विल बी फाइन। तो ओके, मेथड फुल, फुल मेथड, अच्छा मैक्सिमम बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग मेथड बता दो, दैट विल बी फाइन। देखो दोस्त हु आर सेइंग फुल बताने के लिए, या देखो करना कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करना है। वो मुनीम जी वाला काम मुझसे क्यों कराना चाहते हो बताओ, पाई आर स्क्वायर में वैल्यू नहीं पुट कर लोगे, पाई आजकल मोदी जी ने बताया 22/7 लेने को, और रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस तो मैंने निकाल ही दिया ना, 49/4। अब ये चाहते हो तुम कि सर हाँ आपको भी टाइम लगे, आप भी उस दर्द से गुजरो जिससे हम गुजरते हैं, तो बेटा मैं गुजर चुका हूं, जब मैं नन्ना मुन्ना था तो मैं भी इस दर्द से गुजरा हूं, तो अब हो गया, मेरा टाइम गया। जब तुम भी 10th पास करोगे ना और तुम किसी अपने छोटे को पढ़ाओगे तो तुम भी ये कैलकुलेशन नहीं करने वाले हो, मेरे को पता है, तो इसलिए इतना लेवरेज तो होना चाहिए मेरे पास, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन मैं करने के मूड में नहीं हूं, ये कर लेना, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा हाँ दिमाग लगेगा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो ये हो गया सर्कल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये तो होगा 36 × 24.5, तो 36 × 24.5 दोनों को ऐड कर देना, बल्ले बल्ले आंसर आ जाएगा। सर जब सेगमेंट का एंगल दिया नहीं हुआ हो तो कैसे निकालें? तो बेटा ऐसा देखो, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर सेगमेंट का अगर एंगल नहीं दिया हो तो कितना कैसे एरिया निकालें। देखो बेटा, इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगर सेगमेंट का एरिया नहीं दिया हुआ हो तो जैसे मान लो ये सर्कल है और ये है कॉर्ड, और तुमको यहां पे एंगल नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालना है? तो ये ऐसा उंगली लेना और ऐसे एक बित्ता
और ऐसे आधा, तो ऐसा आधा डेढ़ बित्ता बताना। तो आंसर में पेपर में लिख देना वन एंड अ हाफ बित्ता, बित्ता या फिर ऐसा, मतलब ऐसा कर देना, मेक द डायग्राम लाइक दिस, ठीक है? तो उससे आंसर आ जाएगा, एग्जाम में विल अंडरस्टैंड। बेटा देर इज नो मेथडोलॉजी, देर इज नो मेथडोलॉजी फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ सेगमेंट अगर एंगल ना दिया हो। भाई बिना एंगल के कैसे निकालोगे मेरे बच्चे? एंगल दिया होगा, ठीक है? नहीं तो फिर यही तरीका लगाना पड़ेगा, एक और ये डेढ़, दो डेढ़ या दो बित्ता, ऐसा करके बताना होगा, ठीक है? चलो, न्यू टू योर चैनल, हाई श्रेय, हाउ आर यू? वी आर जस्ट हैविंग फन। चलो आगे बढ़ते हैं। विश्वास भाई गुस्सा नहीं होने का यार, इतनी मजाक मस्ती तो चलती है कि नहीं? तो देखो सॉल्यूशन देख लो, 24.536, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो मतलब पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टू किया है, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, उसको सॉल्व किया है। तो बस उसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाना है। चेक कर लो कि तुम्हारा वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये चेक कर लेना। वीडियो इज लैगिंग, तो यू शुड रन फास्ट, तेज दौड़ो, वीडियो नहीं लैग करेगा। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन विच अ स्क्वायर ऑफ एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। जल्दी दिमाग लगाओ, कर सकते हो तुम लोग, दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर। देखो कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, इस तरीके का, और कह रहा है कि इस स्क्वायर का एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शायद बताने की जरूरत नहीं कि आजकल स्क्वायर का एरिया चल रहा है साइड स्क्वायर, तो अगर लिखते हो साइड स्क्वायर 64 है, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइड की वैल्यू आ जाएगी 8, सिंपल है, ठीक है? मतलब 8 सेंटीमीटर का सारा साइड है इसका। तो अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, स्क्वायर का डायगोनल बनाओगे तो वो इस सर्कल का डायमीटर होगा ना, पक्की बात है? हाँ, और स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कौन बता रहा है स्क्वायर का डायगोनल? आद्रिका नहीं, 8 तो साइड है, अगर ये 8 है और ये 8 है, ये 90 डिग्री होता है, तो अगर मैं इसको ए बी मानूं तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? पाइथागोरस जल्दी बताओ, 8√2, एकदम राइट। अर्पित भाई, यार अर्पित पता बहुत तेज हो गया है, काफ़ी टाइम से मेरे साथ लॉन्ग टर्म बैच में पढ़ रहा है, वहाँ पे खूब नालायक भी है लेकिन तेज है, तो क्या करूं? अगर नालायक होता और तेज नहीं होता ना, तो इसको मैं भगा देता, लेकिन नालायक है उसके साथ पढ़ भी लेता है, तो इसलिए रखना पड़ रहा है। एनीवेज ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8√2 आंसर है, बिल्कुल सही है, 8√2। अगर ये 8√2 है, तो मेरे बच्चों ये बताओ ओ ए रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? 8√2 का आधा मतलब 4√2, समझ पा रहे हो? तो ये वैल्यू क्या हो गया? 4√2। जैसे ही 4√2 आया, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, यार इसके आगे तो खुद ही कर लोगे, कर लोगे नहीं कर लोगे? हर्ष सर यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट फैन ऑफ यू। ओके राहुल भाई, तो देखो मेरे को ऐसा लगता है राहुल के अंदर परिवर्तन आया है। राहुल अभी अभी जानू सर बोल रहा है, और अभी मैं बोल रहा है ही इज ग्रेट फैन ऑफ मी। तो आई एम वेरी हैप्पी राहुल कि तुम बच गए, तुम उस जानू वाले रास्ते पे जाने से बच गए, और वो भी जानू टू अ बॉय। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू राहुल, एंड मुझे पता है मुझसे ज़्यादा या तुमसे ज़्यादा तुम्हारे मम्मी पापा मेरे को दुआएं देंगे कि वाह हर्ष सर आप ही एक अच्छे इंसान हो जो हमारे बेटे को बचा लिए, नहीं तो पता नहीं क्या होता इस बेचारे का, लड़कों को जानू जानू बोलता तो फिर हम लोग कहाँ समाज में मुँह दिखाते, ऐसा होता। बट आई एम हैप्पी राहुल कि तुम बच गए, यू आर सेफ नाउ। ओके चलो लेट्स मूव ऑन। ओके एनीवेज लेट्स मूव ऑन। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, ओए की वैल्यू क्या आ गई है? 4√2 आ गई है, तो एरिया निकल जाएगा एकदम बल्ले बल्ले। या आई नो सर पाइथागोरस, ओके महक, हाँ महक मेरे को पता है बेटा कि तुम महक है, मेरे को पता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4√2 रेडियस आ गया, रेडियस जैसे ही आया तो एरिया निकाल देने का, पाई आर स्क्वायर कर दो, ठीक है? चलो अब आगे बढ़े। हाँ वी कैन डू इट सर, थैंक यू, ओके वेरी गुड संतोष भाई फॉर पुटिंग दिस कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन कहता है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, फ्रॉम इट्स फोर कॉर्नर्स क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई 3.5 मीटर हैव बीन कट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है? तो मानो कि सरकार ने इतनी जमीन दी गरीबों को, ठीक है? सरकार ने जमीन दिया 20 मीटर बटा
3.5 मीटर, हालांकि इतना छोटा जमीन नहीं देती सरकार, लेकिन मान लेते हैं किलोमीटर मान लेना, तो और क्या 20 किलोमीटर बाई 15 किलोमीटर की जमीन सरकार ने गरीबों को दी। तो इस वार्ड के जो नेता लोग थे देखे कि अच्छा हमारा भी तो शेयर होना चाहिए, हम यहाँ के नेता जी हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्नर वाला प्लॉट पकड़ा, उन्होंने बोला कॉर्नर प्लॉट का सबसे अच्छा रेट होता है, और उन्होंने कॉर्नर से अपने लिए एक एक प्लॉट काट लिए, ऐसा 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 और ऐसा। तो अब बेचारे गरीब, सरकार अब आई, मतलब वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया और देखना चाहता है कि अब गरीबों को कितनी ज़मीन मिली है। तो गरीबों ने बताया सर हमें तो बस इतनी ही मिली है, बाकी तो नेताजी लेके चले गए। ठीक है, तो नेताजी कितना लेके गए अब डीएम साहब पता करना चाहते हैं। तो डीएम साहब को बताया गया कि सर नेताजी क्वाड्रेंट के फॉर्म में ले गए, नेताजी बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, हालांकि नेताजी ऐसे नहीं ले गए थे, नेताजी ने क्या किया ना कि अपनी भैंस बांधी यहां पे, और नेताजी ने बोला भैंस जितना दूर चर जाए उतना जमीन हमारा। तो नेताजी ने भैंस यहां बांधी और उसकी रस्सी जो थी वो थी 3.5 मीटर की, तो रस्सी भैंस की 3.5 मीटर की, तो भैंस इतना दूर चर गई, इतना दूर चर गई, इतना जमीन नेताजी का हो गया। तो ये इतना 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 हटाना है रेक्टेंगल के एरिया में से। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, 1/4 है ना, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 मतलब पूरा एक सर्कल गायब हो गया, भैंस ने जितना खाया उतना नेताजी का हो गया, उतना नेताजी भी खा लिया। ठीक है, तो चारा घोटाला हो चुका है यहाँ पे। तो अब जब चारा घोटाला हो चुका है तो कितना एरिया गायब होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो गरीबों को मिला था उसमें से माइनस हो गया एरिया ऑफ सर्कल जो नेता लोग ने खा लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या मतलब है, मतलब है 20 × 15 माइनस एरिया ऑफ सर्कल का क्या मतलब है, वो है पाई आर स्क्वायर। बल्ले बल्ले सॉल्व कर दो जल्दी से। हाँ ठीक है, आदित्य कुमार तो अपनी भैंस भेज भी दिया। भाई आदित्य यार इतना पढ़ा रहा हूँ भैंस चलाने के लिए, थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे तुम भैंस भेजे जा रहे हो वो भी यूट्यूब के चैट पे। भाई भैंस मत भेजो, थोड़ा कुछ डीएम साहब लिख के भेजते हैं, तुम भैंस भेज रहे हो, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 300, ये आराम से कैलकुलेट हो गया इसलिए मैंने कर दिया, ये वाला तुम करो, ये थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस। तो क्या ये है 22/7 × 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो 7/2 × 7/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, 77 आना चाहिए, 300 - 77 मतलब आंसर आना चाहिए 223 शायद, 223 आना चाहिए आंसर शायद रिमेनिंग पार्ट का, 223। तुम लोग का भी यही आ रहा है क्या, 7 से 7 गया 4, अच्छा नहीं सॉरी मैंने गलती किया, 211 77/2 आएगा, सॉरी हाँ तुम लोग का आंसर सही है, 0.5 वाला आंसर सही है, सॉरी देखो आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये आंसर 300 और सर्कल का एरिया लोगे 38.5 आ रहा है, माइनस करोगे 261.5, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर जी, मेरा नाम बदलो लता, हाय बेटा लता कैसी हो, सब कुछ ठीक ठाक, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, हाय लता, हाय हेमलता, हाय विश्वलता, हाय पुष्पा, एवरीवन हाय। ठीक है यार, लता हेमलता पुष्पलता सारे बच्चे नाम के बच्चे हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। तो लताओं में खेलते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है अगला क्वेश्चन, तो सारे लोग ध्यान से देखो। ठीक है सर समझ आ रहा है, अच्छा वेरी गुड, हाँ वैसे भी मतलब भैंस की बात आएगी तो तुम लोग तो समझोगे, जो गांव से हैं वो समझ जाएंगे, हाँ सर भैंस की बात पूरी समझ रहे हैं, हमारी भी एक भैंस है फूलवती। अरे भाई यार फिर से वो गाय भैंस वाला क्वेश्चन आ गया। A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangle field of dimension 20 × 16. Find the area of the field which the cow can graze. तो फिर से वैसे ही है, तो आई गेस किसी मंत्री जी ने हमारा क्वेश्चन मतलब कंटेंट आज का सेट किया है, तो मंत्री जी आज गाय भैंस से खूब प्रेम दिखा रहे हैं, तो तुम लोग ही दिखाओ। ये है रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में कहा जा रहा है कि फिर से एक गाय बांधी गई है, इस बार गाय है गौ प्रेम। तो 16 मीटर, ये है 16 मीटर, ये है 20 मीटर, ठीक है ऐसा कुछ फील्ड है, और इस बार गैया को थोड़ा लंबा रस्सी दिया गया है ताकि वो इतना गायब कर दे, क्योंकि लेंथ जो रोप का है वो है 14 मीटर का, 14 मीटर्स, तो ये 14, ये 14, तो अगर ऐसा है तो गाय इतना चरेगी। काउ इज टाइड विद अ रोप एट द कॉर्नर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन काउ ग्रेज, तो कितना ग्रेज करेगी, कितना ग्रेज करेगी, पाई आर स्क्वायर बाई 4, 1/4 ऑफ अ सर्कल, निकाल दो यार पाई आर स्क्वायर बाई 4, वैल्यू बताओ जल्दी से, ये कैलकुलेशन तुम्हें करना है फास्ट। 616 कृष्णा बता रहा है, 296 शिवांश बता रहा है,
154 आशिन बता रहा है, अमित बता रहा है 154 अमृत। ओके संदीप भाई गाय भैंस भेज रहे हैं, सही है संदीप भाई, सही बिजनेस पकड़े हो। ऐसे भी आजकल गाय भैंस में ही ज्यादा फायदा है कि नहीं। 154 अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 154 बच्चे बता रहे हैं, आई डोंट नो, करके देख लेते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू 1/4 पहले से है, रेडियस स्क्वायर, रेडियस क्या है हमारे पास 14 14, ठीक है। तो 7 से दो बार में गया, 2 से दो बार में गया, 2 से 14 7 बार में गया, तो 22 × 7 154, बिल्कुल सही बात, 154 आ रहा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंद्रजीत बेटा, इंद्रजीत थोड़ा पढ़ ले, ऐसे गायब है मत, चरा क्वेश्चन में है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। सो 154 इज द आंसर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन हियर, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा अब रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वेदांतु प्रो के बारे में जान लो, वेदांतु प्रो ये है कि जो बच्चे वेदांतु के साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो लोग वेदांतु के साथ आके लाइव क्लासेस कर सकते हैं। फायदा क्या है, फायदा इसमें यह है कि आपका जो भी प्रॉब्लम, जैसे डाउट का सपोर्ट, टेस्ट असाइनमेंट, नोट्स, ये सारी चीज़ों जो होती थी पहले, जो प्रॉब्लम होता था वो सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट है। आप अपना शेड्यूल भी खुद से चुन सकते हो, टीचर्स भी खुद से चुन सकते हो, लैंग्वेज भी खुद से चुन सकते हो, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लाइव क्लासेस अनलिमिटेड हो गए हैं। तो अनलिमिटेड का मतलब ये कि जिस भी क्लास में इनरोल हुए हो उसके अलावा जो जो बैचेस में जाना चाहते हो उसके अलावा, तो पूरा वेदांतु आपके लिए ओपन है, ठीक है। पूरा वेदांतु ओपन है, माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, रिविजन कोर्सेज, सारी चीज़ें ओपन है। तो तुम जहां भी जो भी क्लास लगाना चाहते हो लगा सकते हो। करना क्या है, बस आपको इस लिंक पे जाना है vdnt.in/ytpro, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे जाके अपनी चीजें सेलेक्ट कर लेना, जो भी ग्रेड में पढ़ रहे हो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जिसमें भी पढ़ते हो वो सेलेक्ट कर लेना, कूपन कोड अप्लाई कर देना HPPRO HP Pro, ये कूपन कोड सेलेक्ट करते ही आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन द सेशंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आई हैव अ डाउट, कार्तिक बेटा मैं चाहूं तभी भी डाउट कैसे लूं बताओ, अभी तो मैं बस ये देख पा रहा हूं कि तुम लोग चैट में गाय भैंस भेज रहे हो, अब अगर क्वेश्चन भेजने लोगे तो मैं पढ़ूंगा कैसे जब चैट्स इतने तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो कार्तिक भाई ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे चाह के भी डाउट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए शायद वेदांतु प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी, ठीक है। चलो एनीवेज, सो कार्तिक डाउट नहीं ले पाऊंगा बेटा, या तो वेदांतु डाउट ऐप पे डाल दो अपना डाउट, ठीक है, वहां पे हो जाएगा सॉल्व। मेरी भी भैंस खो गई है, बहुत सही बेटा, तुम लोग भी अपनी भैंस घुमाओ, भैंस खोजो, यही करो। पर मैथ्स उसमें क्या रखा है सर, जो असली प्रेम और असली डेवलपमेंट तो भैंसों की उद्धार में है कि नहीं है। ओके चलो लेट्स मूव ऑन। स्क्वायर टैंक हैज इट्स साइड इक्वल टू 40 मीटर, अच्छी बात है। देर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स ऑल अराउंड इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट एट 1.25 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा स्क्वायर में चारों तरफ सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट, अच्छा अराउंड इट का मतलब बाहर होगा, ठीक है समझ गया। मुद्दे की बात यह है कि शर्मा जी गए बड़े से बिल्डर के पास, गोदरेज प्रॉपर्टीज, और शर्मा जी ने बोला गोदरेज प्रॉपर्टीज को कि भैया हमें चाहिए एक बढ़िया सा शानदार प्लॉट और जहां पे हम मियां बीवी बच्चे और हमारी भैंस आराम से रह सके। तो गोदरेज वालों ने बोला ठीक है सर, हम आपको एक अच्छा शानदार प्लॉट देते हैं और वो है स्क्वायर प्लॉट। शर्मा जी बोले बहुत बढ़िया, ये हमारी जरूरत का के हिसाब का है, 40x40 का प्लॉट है, 1600 स्क्वायर फीट का प्लॉट। शर्मा जी तो खुश थे। फिर शर्मा जी की मैडम आई, शर्मा जी की मैडम ने बोला अरे शर्मा जी सुनते हो, ये तो अपने लिए लिया, हमारी भैंसिया वो कहां चरेगी, उसके लिए भी तो कुछ लो। तो उन्होंने बोला बिल्डर को कि भैया हमें घास भी चाहिए। तो बिल्डर ने बोला कि सर अगर आप अंदर लेते हो तो फिर तो भैंस आपकी चरेगी, आप बीच में बस बैठे रहना। शर्मा जी बोले ये तो गलत हो जाएगा। तो उन लोगों ने बोला अच्छा ठीक है सर, ऐसा करते हैं आपके लिए, इट्स ओनली फॉर यू ऑफर, आपके आपकी भैंस के लिए हम बाहर चरने का ऑप्शन बना देते हैं सेमी सर्कुलर में, हमने आपको 4 घास के मैदान दे दिए सेमी सर्कुलर। शर्मा जी खुश, डबल खुश। लेकिन फिर आया गोदरेज प्रॉपर्टीज वालों का असली मुद्दा, बोला शर्मा जी भैंस को चराने के लिए जो प्लॉट्स मिलते हैं वो फ्री में नहीं होते, उसके भी पैसे लगते हैं। तो शर्मा जी ने बोला बताओ कितने पैसे। तो वो प्रॉपर्टीज वाले हमारे पास आए, हमारे पास हर्षप्रियम के पास, और बोले कि भैया बताओ इसका एरिया क्या है। तो हम बता देते हैं एरिया, अच्छे इंसान है हम। तो एरिया इसका ऐसे निकलेगा कि भैया ये है रेडियस, रेडियस क्या होगा 40 का आधा, 40 का आधा मतलब 20,
और ऐसे ऐसे हमारे पास सेमी सर्कल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 सेमी सर्कल है। 1, 2 को मिलाएं तो एक सर्कल बन जाएगा, 1, 2 को मिलाएं तो एक सर्कल, मतलब 2 सर्कल का एरिया चाहिए। तो 2 सर्कल का एरिया मोदी जी ने आजकल बताया है 2πr² होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 1 का, 2 का 2πr², 2 पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, रेडियस स्क्वायर मतलब 20×20, सॉल्व कर दो। मैंने बोला गोदरेज वालों को कि भैया कैलकुलेटर तो रखे होगे तुम, कैलकुलेट कर लो, बस वो भी खुश। सर कितने मार्क्स मिलेंगे, भैंस के कि क्वेश्चन के सर? ओके सर, ये 3 नंबर का होगा, चिंता ना करो। वैसे मेरे को पता नहीं तुम क्या है का मार्क्स पूछ रहे हो, अगर भैंस का पूछ रहे हो तो हो सकता है उससे ज्यादा भी मिल जाए, पूरा एग्जाम पास कर जाओ तुम। गाय, वैसे गाय का जिक्र करोगे तो हो सकता है पूरा ही पास कर जाओ। हाँ, क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अभिषेक सर ने कहा था मैं काउ लवर हूँ, अच्छा यार आई एम स्टिल हैप्पी, मैं काउ लवर हूँ, मतलब क्या कहते हैं, बॉयज लवर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बॉयज लवर, दैट्स आई एम हैप्पी। काउ लवर चलेगा, भैंस लवर भी चलेगा, इट्स ओके। ह्यूमन लवर मतलब वो, मतलब मेल लवर, बॉय लवर ना, वो नहीं चलेगा। सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन, हियर वी गो। तो सॉल्व करने के लिए आपको बस ये सॉल्व करना है, रेडियस इज 20 और फिर हाफ पाई आर स्क्वायर, एक सेमी सर्कल का एरिया होगा 628। इस एक सेमी सर्कल का एरिया को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 × एरिया सेमी सर्कल 2πr² 2512 वैल्यू आ जाएगी। 2514, हाँ अनुज का, अंजू 2514 2512 इट्स मोर और लेस सेम अंजू, ठीक है। कहाँ से जोक लाते हो सर, यार ये तो दिख गया क्वेश्चन में, तो समझ में आ गया। चलो भैंस हो आप, अबे नलायक मैं भैंस नहीं हूँ सुमित, मैं तो भैंस के क्वेश्चन बता रहा हूँ यार, मैं तुम यार कैसी कैसी बातें करने लगते हैं। चलो एनीवेज लेट्स मूव ऑन, मास्टर को ऐसा बोलोगे ना तो मास्टर श्राप दे देगा, फिर तुम चूहा बन जाओगे, समझे, और नहीं तो फिर कुछ और वाला श्राप दे देगा, कुछ और भी बन जाओगे, अब समझ लो तुम कि वो कुछ और क्या क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ फिगर इन स्क्वायर सेंटीमीटर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब यहाँ पे कुछ डेसिमल जैसा आने वाला है, अच्छी बात है। ये 8, ये 6, 90 डिग्री, पाइथागोरस लगाओ जल्दी से, इफ दिस इज 8 दिस इज 6, पाइथागोरस थ्योरम, डी ए विल बी 10, पक्की बात। हाँ ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, मतलब ये बन गया स्क्वायर, दिस इज नाउ अ स्क्वायर, ओके फाइन। सो इफ दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया तो निकाल लोगे बड़े सिंपल तरीके से कि पूरा एरिया क्या होगा, फुल एरिया स्क्वायर का 100 होगा, बट दिस इज द पोर्शन विच इज नॉट इनसाइड इट, ये पोर्शन नहीं है, देखो डॉटेड लाइन है, इट्स अ डॉटेड लाइन, मतलब यू हैव टू रिमूव द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आपको क्या करना है, रिमूव इट। तो अगर रिमूव करोगे, इफ यू रिमूव द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 × बेस × हाइट, 1/2 × 8 × 6, मतलब 24, तो आप 100 में से 24 माइनस करोगे, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करोगे, यू विल ऐड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या करोगे, ऐड करोगे। तो सेमी सर्कल का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई की वैल्यू यहां पे मैं लेना चाहूंगा 3.14, क्यों, क्योंकि मुझे पता है रेडियस, सी हियर ये 10 है तो रेडियस विल बी 5, हाफ ऑफ इट, इफ रेडियस इज 5 तो आई नो कि इफ आई राइट हियर 5² एंड देन डिवाइडेड बाई 2, 22/7 अगर मैं लिखता तो इट वुड हैव गिवन मी अ डेसिमल, उससे बेहतर है मैं ऐसा लिख लूं, ये इससे डेसिमल कम होंगे, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो 25 × 100 10 25 35 5 5 और 3 25 से 75 78.5 / 2, ये आने वाली है वैल्यू, मतलब 78 का मतलब होता है 39.25, तो 100 − 24 + 39.25 ये आएगा आपका वैल्यू। तो जल्दी से सॉल्व करके मेरे को आंसर कौन बता रहा है, 115.25, मिनी बता रही है, मिनी बता रही है 115.25, मिनी लग तो रहा है तेरा आंसर सही है, अर्शी भी यही बता रही है, हाँ लग तो रहा है तेरा आंसर सही है, नारायण सिंह शायद सही है, देखते हैं। चलो भैया देखते हैं मिनी का आंसर सही है या नहीं, ओके। हाफ पाई आर स्क्वायर से 39.3, हमारा 39.25 आया, ठीक है हम लोग ज्यादा प्रेसाइज हैं, 115.3 या 4, ठीक है फाइन, दैट्स फाइन। सर आई एम न्यू, प्लीज टेक माई नेम, हाय वैभव वर्मा XB, अच्छा XB नहीं 10th B। वैभव भाई नमस्कार, राम राम, कैसे हो, सब बढ़िया, टुडे इज योर बर्थडे, हर्षिल भाई मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड मे यू बिकम अ स्ट्रेट पर्सन, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ,
भगवान करे तुम्हारे शादी जल्दी हो जाए, भगवान करे कि तुम खूब तरक्की करो, और भगवान करे कि तुम अच्छे इंसान बनो, ठीक है? ठीक है, भगवान करे तुम्हें जिंदगी में किसी की कमी ना हो। हाँ, समझ रहे हो ना? फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन, हियर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर ओ पी क्यू आर इज अ रोम्बस, अच्छा, थ्री ऑफ हूज वर्टाइसेस लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बड़ा आसान है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखो रोम्बस का एरिया है 32√3, अच्छा। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि मैं पहले रोम्बस पे कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूं। ऑपरेशन क्या करना चाहता हूं समझो, मैं चाहता हूं कि क्या ये तुम समझ रहे हो कि अगर मैं P से R को ज्वाइन कर दूं और O से Q को ज्वाइन कर दूं तो OQ मेरा रेडियस होगा। OQ मेरा क्या होगा? रेडियस। अच्छी बात है, OQ अगर रेडियस होगा तो बीच में एक पॉइंट मानो तुम A। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि OA की वैल्यू जो होगी वो होगी R/2। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, OA की वैल्यू होगी R/2। अच्छी बात है, फिर तुम ये भी समझ पा रहे होगे कि OP की वैल्यू भी होगी R, क्योंकि OP भी रेडियस है। अच्छी बात, तो मैं निकालना चाहता हूं OAP को बाहर, तो यहीं पे बाहर निकालता हूं। देखो ध्यान से, मैं निकालना चाहता हूं O, A और P, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, OA की वैल्यू क्या है? R/2। तो अरे भैया रुक जाओ, हाँ, OA की वैल्यू क्या है? R/2, कर दिया R/2। अब PA की वैल्यू क्या है? नहीं पता। और OP की वैल्यू क्या है? रेडियस। पाइथागोरस तेजी से लगाओ, एकदम सुपर फास्ट स्पीड में, ठीक है, जितने फास्ट स्पीड में अपने अभिषेक सर को जानू बोलते हो उतने फास्ट स्पीड में लगाओ, और OP की वैल्यू, AP की वैल्यू बताओ। तो AP की वैल्यू अगर तुम बता पा रहे होगे तो मैं बता देता हूं आएगा क्या। वो AP की वैल्यू आएगी √3/2 × R। सारे लोग का आया क्या? √3/2 R, वेरी गुड प्रविता, नहीं, हाँ प्रतिभा, वेरी गुड, फैंटास्टिक प्रतिभा। सो √3/2 R आएगा AP की वैल्यू, AP, दिस AP। इफ AP इज √3/2 R, तो मेरे को PR की वैल्यू बता सकते हो क्या? कैन यू टेल मी PR वैल्यू? शायद समझ रहे होगे कि रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो PR की वैल्यू सर इसका डबल होना चाहिए। डबल का मतलब होता है √3 R। तो मेरे बच्चों इस रोम्बस में दो डायगोनल्स हो सकते हैं, एक हो सकता है OQ और एक हो सकता है PR, और मैंने दोनों के दोनों ही डायगोनल्स का अपना दिमाग लगा के वैल्यू पता कर लिया है, क्या? √3 R और R। तो डायगोनल्स की जरूरत क्यों थी? क्योंकि मुझे पता है कि रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला ½ × diagonal 1 × diagonal 2, मतलब diagonal 1 × diagonal 2 के जगह पे मैं लिखूंगा ½ OQ × PR, और ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 32√3, ठीक है। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे? कर दो यार, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। हाफ OQ की वैल्यू डालो R, PR की वैल्यू डालो √3 R, इक्वल्स टू 32√3। तो अगर 32√3 डालोगे तो देखो मेरे बच्चों √3 √3 गया। आंसर बताइए दो, आप क्या मतलब कितना सॉल्व कराओगे? R की वैल्यू अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 8 आना चाहिए। कौन कौन बता रहा? अच्छा सबको बता दिया, रत्नेश भाई बहुत बढ़िया, पांडे जी ने भी सही बताया, चलो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड यार, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है मेरे बच्चों। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका सॉल्यूशन, तो वही सेम चीज, ब्ला 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 ब्ला, इन लोगों ने थोड़ा लंबा तरीका किया, हटाओ, भूल जाओ इसको, ये लंबे तरीके से हम नहीं जाएंगे। अरे यार आगे चल, हाँ वैल्यू 8 आ गई, ये पता है बस, रेडियस ऑफ द सर्कल 8, ये जिंदाबाद, ठीक है। टेक माई नेम, दीपचंदन बेरा भाई कैसे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, और ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं है मेरे को सॉल्व करने की जरूरत पड़नी चाहिए, फिर भी तुम लोग देखो। इन द फिगर स्क्वायर एबीसीडी इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स ऑल हैविंग सेम एरिया, अच्छा मतलब ये 1 2 3 4 5, ये पांचों एरिया इक्वल है, वाह शानदार।
अब समझने वाली बात यह है, सेंट्रल पार्ट इज सर्कुलर एंड द लाइंस ए जी सी लाई अलोंग डायगोनल्स ए सी बी डी इफ ए बी इक्वल्स टू 22. फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट पेरीमीटर ऑफ द ए बी ई एफ. ए बी ई एफ, अच्छा देखो भाई ध्यान से देखो मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास है 1, 2, 3, 4 और ये 5, पांच हिस्से, पांच एरिया है आपके पास बेसिकली, और ये पांचों के पांचों इक्वल हैं. तो अगर मैं इनका एरिया x मानूं तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सारे x, बढ़िया बल्ले बल्ले. तो टोटल एरिया क्या हो गया मेरे बच्चों, टोटल एरिया हो गया 5x. बहुत बढ़िया, 5x बराबर क्या होना चाहिए, एरिया इस स्क्वायर का 22 × 22, 22 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. बहुत अच्छी बात. तो x की वैल्यू मिल गई मेरे को क्या, 484/5. बहुत बढ़िया. अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है, ये सर्कल का ये जो लाइन EG है, अगर मैं EG को जोड़ दूं तो एक बात समझ पा रहे हो क्या, EG को जोड़ते ही ये EG मेरा इस सर्कल का डायमीटर बन जाएगा. जल्दी बताओ ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, EG को जोड़ते ही ये सर्कल का डायमीटर बन जाएगा, बन जाएगा ना, अच्छी बात. अच्छा ये बताओ, x की वैल्यू मेरे को मिल गई तो क्या मैं इस सर्कल का रेडियस निकाल सकता हूं. अच्छा हमसे क्या पूछा था, सर्कमफेरेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट. अरे यार वो भी करने की जरूरत नहीं है, सर्कमफेरेंस तो निकाल ही देंगे. देखो एरिया मिल गया इस सर्कल का, इस सर्कल का जैसे ही एरिया मिला मैं लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर. मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर बराबर 484 का मतलब होता है 22 × 22/5. मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, चलो छोड़ दो ये 22 × 22, 22 स्क्वायर / 5 π × r² देखो इससे फायदा, सॉरी देखो इससे फायदा क्या होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है आजकल मार्केट में चल रही है 22/7 गुना 22 से 22 गयो रेडियस को इधर भेजे और आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ रही है क्या आ रही है यार, ये तो गंदा सा वैल्यू आ गया. खैर एनीवेज जो भी वैल्यू आ रहा है हमें क्या करने का, 1, 2, 3, 4 हाँ बिल्कुल 5 equal parts, ठीक है जो भी वैल्यू आ रहा है आने दो. ये आ गया 154/5, ये है आपका रेडियस स्क्वायर का वैल्यू. बहुत खतरनाक सा बेकार सा वैल्यू आया ना, गंदा वैल्यू. हाँ यार तस्मिया बहुत ही बेकार सा गंदा सा वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये रूट में सोचो कितना दर्दनाक दिखेगा, कितना बदसूरत दिखेगा. अभिषेक सर की शादी हो गई, नहीं नहीं हुई है भाई, उसी के लिए तो परेशान है हम लोग सारे, मैं नहीं बल्कि तुम, मतलब पूरी पूरी कौम परेशान है, पूरा दुनिया परेशान है. अभिषेक सर की शादी करवाओ, नहीं तो पता नहीं कितनों को वो जानू कर देंगे. अभी अभी एक बच्चा, तुमको पता है, अभी एक बच्चा हमारा बहकते बचा, हमारा राहुल नाम का बच्चा. राहुल बेचारा पूरी तरह से अभिषेक सर से इम्प्रेस हो चुका था और वो दूसरा गलत रास्ता पकड़ने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ थामा और मैंने बोला नहीं बेटा राहुल ऐसा नहीं करो ये गलत है. तो राहुल समझा और अभी मेरे को राहुल बोला यस सर आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू. तो अभी मैंने राहुल को बचाया. ऐसे पता नहीं कितने मासूम हैं जो अपनी ज़िंदगी किसी गलत रास्ते पर ले जाएंगे. इसलिए मैं भी चाहता हूँ अभिषेक सर की शादी हो जाए जल्दी से जल्दी. या चलो एनीवेज लेट्स मूव ऑन. तो आर स्क्वायर की वैल्यू 154/5 आ चुकी है. तो r की वैल्यू जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगी तुम 2πr निकाल लोगे और पेरीमीटर वो तो वो भी निकल जाएगा. देखो मैं दिखा दे रहा हूं यार, इन लोगों ने बहुत ही गंदा क्वेश्चन दे दिया है आई गेस. हाँ 484 बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम लोग सोच रहे थे. r स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा, रूट अंडर 30.83 कौन देता है भाई आज के जमाने में, मैं तो नहीं देता हूं. लेट्स लीव इट, फ्लश दिस क्वेश्चन आउट, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, डोंट वरी. क्योंकि 30.83 का तो रूट बेचारा एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, ही विल हैव टू टेक आउट हिज मोबाइल. तो लेट्स लीव इट, हाँ ब्ला 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 छोड़ दो. बहुत बढ़िया. तो मेरे बच्चों ये आज का प्यारा सा सेशन आपके, नहीं जानू नहीं बोलूंगा यार, मेरे मुंह पे भी ये जानू आ गया. एनीवेज लेट्स लीव इट. तो ये प्यारा सा सेशन यहीं पे खत्म करने का वक्त आ गया. सो ऑल ऑफ यू इफ यू हैव लाइक द सेशन तो लाइक ठोकें एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें. जिन बच्चों को वेदांतों के साथ लाइव सेशंस में जुड़ना है, जिन बच्चों को मेरे से पढ़ाई करनी है और बाकी मास्टर टीचर्स के लाइव सेशंस में ज्वाइन करना है, तो तरीका ये लिंक है. इस लिंक को क्लिक करो जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यहाँ पे क्लिक नहीं होगा स्क्रीन पे, तो वो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक दिया होगा उस पे क्लिक करो. जैसे ही क्लिक करोगे एक ऐसा पेज खुलेगा. इस पेज पे जाते ही तुमको अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है. ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद अपना टारगेट CBSE ICSE सेलेक्ट करने के बाद ऐसा पेज आएगा.
जहां पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही फिर तुम्हें सब्सक्रिप्शन के सारे मॉडल दिख जाएंगे, जो भी पसंद आए पसंद कर लेने का, अपने कार्ट में ऐड करने का। कार्ट में ऐड करने के बाद पेमेंट जब करने जाओगे तो यहाँ पे एक कूपन कोड पूछेगा, इस कूपन कोड में डाल देना HP Pro। HP Pro डालते ही बल्ले बल्ले यू आर रेडी टू स्टार्ट, आपको एक कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड को डालते ही, और फिर आप मजे से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसके साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। इट वॉज रियली अ वंडरफुल सेशन। शादी मत करो सर, यार मेरी हो गई भाई, कैशा मेरी हो गई बेटा, अब मेरे पास मतलब यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, अभिषेक सर से पूछ ले। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा उनको ऐसा सजेस्ट मत करना, देख ही रहे हो कितनी हालत खराब चल रही बेचारे की, तो उनको सजेस्ट करो बेटा। तुम लोग हौसला बढ़ाओगे ना तो अभिषेक सर मान जाएंगे कि हाँ ठीक है शादी कर लेता हूँ। और थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ कि अभिषेक सर प्लीज लड़की से शादी कीजिए, मतलब एक बार ट्राई तो मारो, शायद हो जाए कुछ है। आई नो कि थोड़ा सा वक्त के हथौड़े के कारण से उनका थोड़ा माइंडसेट थोड़ा बदल गया है, लेकिन ऐसा वो इंसान अच्छे हैं, तो इस बात को समझो, वो इंसान अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सोचते गलत है, ना ना ऐसा नहीं है बेटा, उन्होंने बस हालात के कारण से ऐसे फैसले ले लिए। बचपन में शायद किसी ने उन्हें बहुत स्ट्रांगली पढ़ाया है कि बेटा सेक्स रेशियो खराब है इंडिया का, लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी के लिए, और दूसरा उनको ऐसे भी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कोरिलेट कर लिया है कि शायद मेरे को तो नहीं मिलेगी। तो तुम लोग थोड़ा सा समझाओ, उनका हौसला बढ़ाओ कि नहीं अभिषेक सर ऐसे हार नहीं मानने का, हम लोग सब ट्राई कर रहे हैं, आपको एक अच्छी जीवन संगनी मिलेगी। तो ऐसा हौसला बढ़ाओगे ना तो अभिषेक सर मान जाएंगे और फिर वो वापस नॉर्मल जिंदगी में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करने का। ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है कैसा, तो यहाँ पे तो कुछ मामला बनता ही नहीं है। चलो फाइन, इट्स ऑल ओके। So see you guys in the next session. Till then, bye bye, take care and good night. Bye bye, kids. Bye.